और थोड़े तुम ठीक मस्त एकदम। काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। चलो वी कैन कैप्चर द वर्ल्ड ओनली वेन वी फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ सर सिल्क रोइटस फॉर दिस पर्पस वी मस्ट हैव वन नेशन एंड बॉर्डरलेस कंट्री। सर अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया जापान इन तमाम देशों की संस्कृतियों को नष्ट करके हम वहां पर अपनी सत्ता और अपने व्यापार का परिचम फहरा चुके हैं। अब हमारे सामने चुनौती है तो मार्ड इंडियन कल्चर चुनौती सर हम उसमें भी सफल हुए। इनकी परिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो। माल भेज दो सर हो जाएगा। और सुन जी सर और सरकारों से लेन देन शुरू कर दे। जी सर धर्मांतरण बॉन्ड ड्रग्स सब तेजी से बढ़ा दो। हाँ सर कॉन्वेंट स्कूल भी तेजी से बढ़ा दे। मान लो हो गया आपका। अपने ओम सौ ईश्वर का आनंद प्रकट करो। मैंने काम सौंपा था क्या हुआ सर? सर आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मैंने तुमको समझाया था ना एक बाबा के करोड़ों भक्त हैं उनके कारण ही सब बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हमारे कन्वर्ट किए लोग वापस हिंदू बन रहे हैं। व्हाट इज दिस ऑल? इज दिस द वे टू वर्क? मुझे वैलेंटाइन डे का प्रचार चाहिए। देखो मैं अपने तरफ से सारा प्रयास कर रहा हूँ। ओके फाइनल डू जीरो मिशन एंड फिनिश इट। देखिए राकेश जी इस समय फील्ड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही है। सड़कों में लेटा लेटा कर लोगों को पीटा जा रहा है। पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई जा रही है। इन शख्सों को रूम से निकाल निकाल कर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्हें कूटा जा रहा है। बड़े बड़े फाटक तोड़े जा रहे हैं। लंबी लंबी चोटियां उखाड़ी जा रही है। राकेश जी इन रातों को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। नहीं नहीं सर आप टेंशन मत लो। एक बार डिप पक्की हो गई ना मैंने बोला था ना इनकी संस्था की तो मैथी मार के रखते हैं। इनको इनको तो जेल में डलवा के ही बैठेंगे। हिंदुओं के धर्म गुरु कहलाए जाने वाला सर कुछ ही समय में हिंदू बात हो चुके Thank you.
number you're calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try. नमस्ते सार्थक जी। आज अचानक सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हाँ, कुछ अर्जेंट बात करनी है जी। मैंने रवि भाई को भी बुलाया है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। लीजिए सार्थक जी, मैं जाता हूँ। आइए रवि जी। नमस्ते। हाँ, आज हम किन हालातों से गुजर रहे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन महापुरुष ने बार बार बलिदान दिया है और आज भी वो बलिदान दे रहे हैं, ये महापुरुष कहते हैं कि एक से 1,25,000 जगाऊं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, हम पीछे नहीं हट सकते। हाँ सार्थक भाई, आप सही कहते हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा? भारत में जितने भी प्रमुख लोग हैं सब कुछ जगह पे इकट्ठा करते हैं। यानी कि मीटिंग? हाँ मीटिंग। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। हाँ चंद्रकांत, तो शुरुआत अपने आप से करें जी। आज की सभा में आए हुए सभी आदरणीय भाई बहनों, करोड़ों का जनसैलाब जिन महापुरुष की प्रेरणा से विश्व मानव और संस्कृति की सेवा करते हुए आ रहा है, उसी कड़ी में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से फैल रही अश्लीलता और टूट रहे परिवार को जोड़ने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल शुरू हुई है, और आज उन सभी सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप चाहते हो हम सेवाओं को आगे बढ़ाएं? ठीक है, हम किन हालातों से गुजर रहे हैं आप उन्हें भी तो देखो। साजिश का शिकंजा इतना गहरा है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार से लेकर विदेशियों के हाथों बिके हुए लोग सभी के सभी मिलकर हमारे जड़ों को काटने में लगे हैं। करोड़ों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं हम सबको पूरी तरह खत्म करने के लिए, और हमारे प्राण स्रोत को तो जेल में डाल दिया गया है, और आप सेवा की बात कर रहे हैं? इससे आगे मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। आज समाज में हरेक व्यक्ति सुखी स्वस्थ व सम्मानित जीवन जीने की चाह रखता है, लेकिन क्या वो अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ा भी निष्ठावान है? क्या वो अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ा भी वफादार है? वो केवल गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारियों की दुहाई देकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। क्या हमारा कर्तव्य इतना ही रह जाता है? आज हमारी निष्क्रियता से साजिशकारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और समाज उसका शिकार हो जाता है। फिर वह समाज महापुरुषों को समझ नहीं पाता, तो ऐसे वक्त में हमें एकजुट होकर संगठित होकर आगे आना ही होगा। विश्व के जिस सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक व्यवस्था को जोड़ने ज्ञान संस्कार सिंचन का कार्य जिन महापुरुष ने किया है, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की कड़ी है हम। आज समय जैसा भी है, लेकिन हमें कर्तव्य और निष्ठा के सिद्धांतों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना होगा।
सार्थक जी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आज इतने बड़े भारतीय जन समुदाय में से सच्चे राष्ट्रभक्त संस्कृति रक्षक लोगों को कितने लोग पहचानते हैं? इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग महापुरुष के बताए मार्ग पर चलते हैं और गुमराह और बिखरे समाज को सच्चाई से अवगत करा के एकजुट कर देते हैं। आज हमारे सामने वही समय आया है जो चाणक्य और धनानंद के समय आया है। अब आपको तय करके आज के हालातों में अपना रोल कि हमें कहां होना चाहिए। सब मिलकर 14 फरवरी नजदीक आ रही है, तो आइए इसके प्रचार की भूमिका बना दें। तो आइए पूरी भूमिका के साथ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव इस दिवस के लाभ से पूरे विश्व को लाभान्वित करते हैं। भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, हो सफल।
महेंद्र जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अरे जाने दो ना उन्हें। बेटा दो दिन में आ जाना हो। हाँ ठीक है। बेटा हम इधर रह नहीं पाएंगे, तेरी माँ भी नहीं रह पाएगी। भोजन अपना टाइम से लेना, अपना सारा ख्याल करना, घर का भी ख्याल करना। मैंने आपके रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी है, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, आप जाओ। मेरा बेटा है या क्या? तुम्हारा बेटा नहीं है और किसी को छोड़ने आया है। हमारा रोहन भी ऐसा लगता होगा ना? देखना, रोहन एक दिन हमको लेने जरूर आएगा। अभी तक सोए नहीं हो? माँ, आज तक मैंने अब सिर्फ वृद्धाश्रम के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा माँ, उस बूढ़ी माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए कितना प्रेम था माँ। बेटा, अपने माँ के हृदय में बच्चों के लिए जो प्यार होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ये सब क्या है? यहाँ भी बिछाने छोड़ रही तुम्हारी माँ ना? यहाँ भी आ गई?
अभी इसको कौन पालेगा? अरे हम लोग हैं ना, हम पालेंगे। बेटा हाँ, रात ज्यादा हो गई है, सो जा। क्या है कि अपने को मुख्यमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। अच्छा, अपने को चलना है मिलने? बिल्कुल चलेंगे। जी जी। सर, हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हुए हैं जो युवा पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है सर। ठीक है, पर हमें क्या करना है वो बताइए। सर, हम चाहते हैं कि पूरे राज्य में सरकार द्वारा ये घोषणा की जाए कि हर साल 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस सारे स्कूल और कॉलेजेस में मनाया जाना चाहिए। तो उसके लिए सारे गांव में, सारे शहरों में और कॉलोनियों में इसको भव्य रूप से मनाया जाने के लिए आगे साथ चलते हैं। अच्छी बात, माता पिता की पूजा होनी चाहिए, पर 14 फरवरी को ही क्या? सर, 14 फरवरी को हमारी युवा पीढ़ी गुमराह होकर पतन के गर्त में गिर जाएगी। हमारी महान भारतीय परंपरा में पारिवारिक व्यवस्था को खोखला करके राष्ट्र के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। देखिए, ये सब बातें संभव नहीं है। हेलो, आगे की व्यवस्था करो। वाह रे वाह, रस्सी जल गई, ऐड नहीं गई। अरे इसमें फिर से एक बार मिर्ची और पाउडर डाल दे। सर, आपके अकॉर्डिंग ही सब हो रहा है। सर, मैं संभाल रहा हूँ। हाँ हाँ सर, आपकी बात सही है, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ सर। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अरे पापट, ये क्या है, निकाल जरा इसका, निकाल। हाँ क्या रहा है? आई ये काम तो हो जाएगा बिल्कुल। आप वो पुलिस मैटर का बताओ, जो दो दिन पहले क्या रहा उसका? अरे आप क्या, अरे क्या भैया, अरे ये सब मात्र पिता दिवस सब नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए वैलेंटाइन डे। क्या वैलेंटाइन डे? और तुम चलते मैंने, चलो चलो। हाँ भाई, हो गया हो गया भाई, आओ फिर आओ आओ फिर। दर्शकों देखिए, हम आपके क्या करने जा रहे हैं। अरे ये सब मात्र पिता दिवस सब नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए वैलेंटाइन डे। क्या मिल्खा सिंह बोल रहा हूँ? हाँ मिल्खा जी, देखा आपने, देखा टीवी में कुछ स्कूलों ने हमको जो मातृ पितृ पूजन दिन की परमिशन दी थी वो भी कैंसिल हो रही है। मैं आपको बोला था ना, पहले दिन से समझा रहा था, आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे। ठीक है, देखो क्या हाल हुआ है। ठीक है, देखता हूँ। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। सार्थक भाई, आज अयोध्या के जगत गुरु का फोन आया था, कह रहे थे कि हम 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, उसमें हम लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग तो हमें करना ही है। देखा सार्थक भाई, मीडिया वाले फिर से हम लोगों को वर्ग विशेष बताकर समाज से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कह रहे हो।
शारदा भाई देख रहे हैं टीवी पे क्या रहा है। अभी समय अपना अनुकूल नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। आइए आप लोग। सार्थक बेटा जब सही समय आएगा तो हम लोग भी सेवा करेंगे ना सब लोग मिलके। बेटा आप लोग जो कर रहे हैं ना अभी समय नहीं है सब करने का। सार्थक भाई आप समझते क्यों नहीं हो, हम सबको अलग दिखाकर समाज से दूर किया जा रहा है। हो गया, हम अलग दिखते हैं, हम अलग दिखते हैं क्योंकि जिन महापुरुष ने हमारे अंदर सेवा की, मानवता की और राष्ट्र प्रेम की भावना भरी है, उन्होंने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम अलग दिखें। हाँ फर्क इतना है जिनको हम अलग दिखते हैं उनमें ये भावनाएं भरनी अभी बाकी हैं। हाँ उन महापुरुष ने हम जैसे करोड़ों लोगों को, आप जैसे, हम जैसे करोड़ों लोगों को पारस बनाया है। क्या बनाया है? पारस बनाया है किस विश्व में मानवता और शांति की स्थापना हो सके। इस भ्रमित हुए समाज को उन महापुरुष और हम और आप जैसे शिष्यों की बहुत जरूरत है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम उस दिशा में अपने आप को अग्रसर करें। हाँ सार्थक भाई, अगर हम लोग सच्ची निष्ठा से ठान ले तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समाज की दशा दिशा को सुधारने में। लेकिन हाँ हमें सरकारों को भी अपने कर्तव्य का एहसास याद दिलाना होगा। जी हाँ सार्थक जी, हमने आपका कल मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। ठीक है, रौनक जी आपके साथ वहाँ सेवा में रहेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, और कल मैं आपको गाड़ी से रिसीव करने आऊंगा। हाँ हाँ कल हम आ जाएंगे। जी ठीक है, फिर मिलते हैं। जी नमस्ते सर, धन्यवाद। जी कहिए। सर हम मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में आपसे कुछ चर्चा करनी थी। सर 2007 से मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत हुई है और ये अब भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। अच्छी शुरुआत है सर, लेकिन हम चाहते हैं 14 फरवरी को राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और सभी शिक्षा संस्थानों में इस अनोखे दिवस को मनाए जाने के लिए सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सरकार से सहायता की जरूरत क्यों है? सर अगर शिक्षा देना सरकार का कार्य है तो गुमराह हो रहे युवा धन को सही मार्ग पर लाने का कार्य भी सरकार का होना चाहिए। सर आज युवा पीढ़ी नशे के गर्त में डूबी जा रही है। सर आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। सर अगर हम ये चाहते हैं कि एक सही और सुदृढ़ समाज का निर्माण हो तो 14 फरवरी को मातृ पुत्र पूजन दिवस सरकार के द्वारा घोषित होना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबकी बात से सहमत हूं, इसकी चर्चा मैं विधानसभा में करूंगा। अरे रुकिए ड्राइवर साहब, रुकिए रुकिए। चलिए सार्थक जी, आज हम आपको अपने शहर की मशहूर ओजस्वी चाय पिलाते हैं। हाँ भाई चलते हैं, आज इनके शहर की मशहूर आयुर्वेदिक ओजस्वी चाय पीते हैं। चला आ जाएगा। अरे भाई, हाँ भाई जरा अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय देना, अपने खास लोग आए हैं। हाँ भाई हाँ, एकदम खासम खास चाय पिलाऊंगा आयुर्वेदिक वाली। बैठिए। ए हीरो देना, ए लकड़ी, ए लकड़ी, हाय। हाय रे, हाय दैया,
मातृ पितृ पूजन दिवस, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बैलून डे मनाते हैं, बड़ा अच्छा दिवस है रे। हाय हाय देना, हाय रे, ये ऋतिक हमारा भी तो दिवस मनाओ रे। हाय हाय, और हमारे संगठन का पूरा सहयोग आपके साथ है। जय भारत। सामने हाजिर हूँ। देख टीवी में क्या आ रहा है। को लेकर विधानसभा में छाया हुआ था गर्मा गर्मी का माहौल। जी हाँ, एक तरफ था वैलेंटाइन डे तो दूसरी तरफ था मातृ पितृ पूजन दिवस। और सरकार ने काफी मंथन के बाद ये निर्णय लिया है कि 14 फरवरी, जी हाँ 14 फरवरी को सरकारी शिक्षण संस्थान मातृ पितृ पूजन मनाया। जी हाँ दोस्तों, तो आपके सामने अभी हाजिर करेंगे हम कुछ विधानसभा की तस्वीरें। देखिएगा इतना गर्मा गर्मी का माहौल छाया हुआ था और सरकार ने किस तरह ये निर्णय लिया मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाया जाए। बेटा कैसे हो? हाँ महाराज जी, प्रणाम। और बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है। हाँ महाराज, देखो इस बार भी अपने सीएम से मिल के आओ। क्या कि महाराज जी, हम पिछले टाइम गए थे सीएम के पास लेकिन उन्होंने क्या कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा करते हैं, मैं अपने जगत गुरु से बात कर लेता हूँ और आप जगत गुरु को साथ में लेके एक बार फिर से मिल के आओ। जी प्रणाम। ओके ओके। अरे भाटिया साहब, हमें आपको समझाना पड़ेगा। आपको पता है ना, चुनाव नजदीक आ रहा है। अरे उन्हें किसी तरह रोकना पड़ेगा। हाँ, आखिर हमारी छवि को धूल में मिलाने पर क्यों तुले हो? हैं? बैठिए। कहिए सार्थक जी, कैसे आना हुआ? सर हम चाहते हैं कि 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाने की घोषणा सरकार के द्वारा। सर समाज के हित के लिए तो हम सभी संगठन मिलकर काम कर ही रहे हैं, हमें सरकार का भी सहयोग चाहिए। मंत्री जी, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित होना ही चाहिए। देखिए आप लोगों की बातों से मैं सहमत हूं, मैं भी माता पिता का पूजन करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर 14 फरवरी को ही क्यों मातृ पितृ पूजन दिवस जरूरी है? सर ये 14 फरवरी वाला वैलेंटाइंस डे सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन चुका है। सर इस दिन बलात्कार, शराब, हत्याएं, इन सबों का ग्राफ इतना बढ़ जाता है। सर मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। सर ये देखिए, सर ये इनोसेंटी और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। उस दिन ऐसी घटनाएं 50-60% बढ़ जाती है। तो सर क्या आप चाहते हैं कि ये गंदगी भारतीय समाज में तेजी से फैले और इस समाज को गंदा करके खोखला कर दे? चलो भाई कल मिलो। सर माफ करिएगा लेकिन अगर आज के दिन आपके बच्चे आपकी पूजा ना करके और खुद को बर्बाद कर लें। आप लोग चाय पियेंगे? चाय लेके आओ। देखो बेटा, आपको क्या लगता है कि हमें ये सब पता नहीं है? मैं आप लोगों की समाज सेवा को भी जानता हूं और आप लोगों के ऊपर कैसा कैसा षड्यंत्र चल रहा है उसे भी जानता हूं। आप लोग जो चाहते हैं उससे मैं सहमत हूं और मैं ही नहीं, हमारे जैसे दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन बेटा आप समझने की कोशिश करो, हमारे ऊपर भी दबाव है, हमारी भी मजबूरियां हैं। इसके लिए हमारी एक राय है, अगर आप लोग ये काम एक सिस्टम के तहत करोगे तो हमारे लिए जो आप लोग चाहते हैं वो करना आसान होगा। आपके गुरु जी की प्रेरणा से जो हमारे देश में करोड़ों लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड राइटअप में रखिए। इसका विवरण और फोटोग्राफ अपने प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ज्ञापन रूप में सौंपिए।
और अपने अपने राज्य का विवरण अपने अपने मुख्यमंत्री को दीजिए और अपने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से पूरे देश के विवरण को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपिए। इससे आप जो चाहते हैं वो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बावजूद फिर भी यदि कोई राज्य या केंद्र की सरकारें नहीं मानती हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार रखी गई इतने बड़े जन समुदाय की मांग को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। जी बेटा, एक बात याद रखना कि सरकार तुमसे है, तुम सरकार से नहीं। यह शिवसेना, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, राष्ट्रीय संगठक हूँ। मैं अपने तरफ से महाराष्ट्र के धरती पे मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ। सदाश्री बाबू के प्रति षडंत्र साजिश के तहत जो कुछ भी उनके साथ यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ने किया है, अब चूंकि इस देश का मैं एक नागरिक हूँ, इस देश के संविधान को मैं नकार नहीं सकता हूँ, उनका अपमान नहीं कर सकता हूँ, जुडिशरी का अपमान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि एक जुडिशरी नहीं पूरी विश्व की जुडिशरी एकत्र हो जाए, लेकिन हमारी अगाध श्रद्धा, इस देश के सनातन धर्म को मानने वाले अगाध करोड़ों करोड़ों लोग परम श्रद्धेय श्री आसाराम बापू के उस श्रद्धा को रोक नहीं सकता यह संविधान। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इतना तक कि परम श्रद्धेय श्री आसाराम बापू जी ने जन जन तक सनातन धर्म के प्रति चेतना जगाने का काम आप जैसे लोगों को माध्यम बना करके देश के कोने कोने जर्रे जर्रे में जो पहुँचाया, उसके लेकर उसी के लिए शायद जर्मन का महाविद्वान मैक्स मुलर था, वो भी अपने देश के लिए, अपने स्वदेश के लिए, वो भी साहित्य प्लस धर्म की इतिहास लिख रहा था, तो हमारे देश के लिए उसको लिखना पड़ा, तो उसमें सीधे सीधे परम श्रद्धेय श्री आसाराम बापू का उसमें श्रेय जाता है। मैक्स मुलर जर्मन का महाप्रगाढ़ विद्वान ने कहा कि इफ आई वे टू लुक होल ऑफ द वर्ल्ड टू फाइंड आउट ऑफ द कंट्री मस्ट रिचली इन्वाइटेड ऑफ द वेल्थ ब्यूटी एंड पावर ए नेचर अनकैन पैराडाइज ऑन अर्थ आई शुड बी पॉइंट टू इंडिया। ऐसा मैक्स मुलर ने कहा। कहने का मतलब कि मातृ पितृ आदर भाव सम्मान मान हमारी शिष्टता हमारी सहजता सरलता का प्रतीक कोई देश के तरफ आई शुड बी पॉइंट टू इंडिया, अगर कोई उंगली उठाया जाता है तो आई शुड बी पॉइंट टू इंडिया, ये हमारा देश का विद्वान ने नहीं कहा, मैक्स मुलर जर्मन का कहा। तो ऐसे जैसे ऋषियों और ऐसे जैसे सनातन धर्म के रक्षक, ऐसे परम श्रद्धेय श्री आसाराम बापू के प्रति आज मैं अपनी भाव को प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऐसे ऋषि ने जो मातृपित्र के प्रति ये जो आगाज भरी है, एक जो संदेश दिया है, इसके लिए देश उनका ऋणी है। दोस्तों, अपने देश की विडंबना है और बड़े दुख की बात है, बहुत सारे लोग जो मॉडर्न हो जाते हैं या विदेश घूम के आ जाते हैं या थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो अपने भारत के, अपने हिंदुस्तान के संस्कार भूल जाते हैं, अपने कल्चर से हेट करने लगते हैं, उनको अपने कल्चर में कमियां नजर आती हैं और माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते, माँ बाप उनको बोझ लगते। ऐसे में कई बार तो ये देखने में आया है कि वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और फिर भूल जाते हैं, परवाह भी नहीं करते कि वो किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या बीमार हैं। तो क्यों ना दोस्तों 14 फरवरी के लिए हम लोग सौगंध खाएं कि इस दिन 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे बल्कि उसकी जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, माता पिता के सम्मान को वापस लाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए सौगंध खाते हैं, 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस।
इट्स नॉट ओनली ए मैटर ऑफ आसाराम बापू, ये करोड़ों लोगों की आवाज़ है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया जाता है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए।